मुंबई की आन बान और शान, क्रिकेट में बसती है इनकी जान। विकेट हॉल से जाना जाता है इनका नाम, श्रेयम दुबे है इनकी पहचान। सलाम नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आफरीन खान और आज की राइजिंग स्टोरी इस मुंबई कर के नाम। शिवम दुबे का जन्म 26 जून 1993 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में क्रिकेट खेलने की शुरुआत की थी चंद्रकांत क्रिकेट अकेडमी। जल्द ही उन्होंने स्कूल की तरफ से क्रिकेट खेलना शुरू किया, पर उन्हें टीम से निकाला गया क्योंकि वो ओवरवेट थे। उसी वक्त उनके पिता की फैक्ट्री बंद हो गई थी और घर में काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे। इस दौरान शिवम और क्रिकेट के बीच में थोड़ी दूरियाँ आ गई। उनके पापा ने उन्हें मोटिवेट किया कि वो क्रिकेट को एक और मौका दें। जब वो 17 साल के हुए तब उन्होंने दोबारा क्रिकेट खेलना चाहा। काफ़ी लोगों ने कहा कि अब वो 17 साल के और शायद ही उन्हें प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने का मौका मिले। शिवम ने अपने स्किल्स और अपनी बॉडी पे काफ़ी मेहनत की। शिवम ने अपने घर के पीछे एक क्रिकेट पिच भी बनवा ली। दिन में 8-8 घंटे उनके पिता राजेश जी उन्हें बॉलिंग किया करते। राजेश जी अपने वक्त पे एक रेसलर रह चुके हैं। शिवम को लगता है कि देर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट और इसीलिए वो अपनी स्किल्स हमेशा शार्प करते रहते हैं। आखिर उन्होंने क्रिकेट में कमबैक किया और कर्नाटक स्पोर्ट्स एसोसिएशन ज्वाइन किया, जहां उन्हें सतीश सामंत जी ने ट्रेन किया। अपने कमबैक के बाद उन्होंने क्लब्स के लिए खेलना चालू किया। बहुत जल्द वो एक वेल नोन हार्ड हिटिंग बैट्समैन के नाम से जाने गए और उन्होंने मित्सुई T20 लीग खेला, जिसके वजह से उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में मुंबई को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। अपने फर्स्ट क्लास करियर की बहुत ही धुआंधार शुरुआत करी। कर्नाटक के खिलाफ 71 रन बनाए और 5 विकेट भी लिए, फिर गुजरात के खिलाफ 7 विकेटें लिए और इसी के बाद उन्हें विकेट हॉल के नाम से भी जाना जाता। दुबे जी काफ़ी लाइमलाइट में आ गए उस दिसंबर 17 की मैच के बाद, क्योंकि उस फाइनल रणजी ट्रॉफी के मैच में उन्होंने स्पिनर स्वप्निल सिंह को लगातार 5 छक्के मारे थे। ऐसा खेल उन्होंने पहले भी प्रवीण तांबे की बॉलिंग पे खेला था एक T20 मैच में। अब किस्मत तो देखिए, ये रणजी फाइनल IPL ऑक्शन के ठीक एक दिन पहले खेला गया था। अब किस्मत तो देखिए, ये रणजी ट्रॉफी फाइनल IPL के ऑक्शन के ठीक एक दिन पहले हुआ। इस मैच के बाद वो IPL ऑक्शन में एक हॉट पिक बन गए। RCB ने उन्हें 5 करोड़ की भारी रकम में खरीदा। तब से अब तक वो RCB टीम के साथ ही खेल रहे हैं। इंडिया के लिए T20 में उनका डेब्यू 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ हुआ और दिसंबर 2019 में ODI डेब्यू वेस्टइंडीज के खिलाफ। क्रिकेट के अलावा शिवम को शॉपिंग करना पसंद है और वो फॉर्मल वेयर पहनना पसंद करते हैं। सॉन्ग सुनना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है और उनकी प्लेलिस्ट अरिजीत सिंह के गानों से भरी होती है। उनका फेवरेट कलर ब्लू है और हम चाहेंगे कि वो हमें इंडिया के लिए ब्लू रंग की जर्सी में रेगुलरली दिखते रहें। इसी के साथ मैं आफरीन खान आपसे विदा चाहूँगी। हम फिर ही मिलेंगे जल्द ही एक और नई राइजिंग स्टोरी के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।